सुशासन का उद्देश्य देश का समावेशी और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो एक महान नेता, एक असाधारण वक्ता और कवि होने के साथ साथ सुशासन की प्रतिमूर्ति माने जाते थे, उनका हमेशा यही मानना था कि समग्र प्रयासों से ही सुशासन प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से सुशासन हमारे नागरिकों के सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सुशासन के माध्यम से ही हम अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचा सकते हैं। इस अवसर पर आज हम कुछ अधिकारियों को जो सम्मानित किया गया है, उनकी उपलब्धियां मैं आपके साथ साझा भी करना चाहता हूं। मैंने राज्यपाल बनने के पश्चात तमाम 13 डिस्ट्रिक्ट्स में गया और बहुत बारीकी से उनके कार्य को देखा है और वहाँ के हर व्यक्ति को भी मिलने की कोशिश की है। और मैं सच कहूँ तो 13 डिस्ट्रिक्ट्स का भ्रमण करने के पश्चात मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि हमारे जो आईएएस के अधिकारी हैं बहुत निष्ठापूर्ण और बहुत ही एक्सेलेंट से काम कर रहे हैं। और एक और खुशी है जो मैं आपके साथ में साझा करना चाहता हूँ कि जब हरेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मैं गया और सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो कार्यकर्ता हैं और जो लीडर्स हैं हमारी महिलाएं, उनको देखकर एक अलग ही नशा आया कि हमारे उत्तराखंड की महिला इतनी केपेबल, इतनी सक्षम और इतनी स्ट्रांग है। मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी क्रांति लाने के लिए, कोई भी बदलाव लाने के लिए हम उत्तराखंड की महिलाओं की जो ताकत है, उनकी जो नारी शक्ति, उनकी जो शिव शक्ति है, वो हमारा सबसे बड़ा वरदान है उत्तराखंड के लिए। आज जिनको सम्मानित किया गया है, मैं अवश्य ही अपने दिल और आत्मा की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपको मैंने ऑन ग्राउंड देखा है, बहुत बारीकी से देखा है। और मेरे को पहले कभी भी जीवन में एडमिनिस्ट्रेशन को इतना करीब से देखने का मौका नहीं मिला था। 40 साल फौज में नौकरी की है, लेकिन इनको देखकर मुझको ऐसा लगता है कि भारत को आने वाले समय में विश्व गुरु और विकसित भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आई सॉ ए डिफरेंट लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, आई सॉ उनके कार्य में एक सच्चाई थी, दे हैव कंसर्न फॉर द पीपल। और जहां पर अपने राष्ट्र, अपने प्रदेश, अपने समाज जनहित में कार्य हो, वो अवश्य ही उसका जो फल होगा बहुत ही अच्छा होगा। सबसे पहले मैं श्री विनय शंकर पांडे जी के बारे में कहना चाहता हूं कि जो पूर्व में कई दायित्वों का निर्वहन करते हुए आज जिलाधिकारी हरिद्वार के पद पर कार्यरत हैं। बहुत चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट है। आपके द्वारा कोविड लॉकडाउन के बाद पहली बार प्रारंभ हुई कावड़ यात्रा का जिस प्रकार सुचारू रूप से प्रबंधन किया गया, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। 3 करोड़ 80 लाख और उनकी जो एवरेज एज है वो 18 साल की और एक भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं इस वक्त ये भी दाद देना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय पुष्कर धामी जी, वो खुद गए और कांवड़ यात्रियों के अपने हाथ से अब उनके चरणों को स्पर्श किया, उनको धोया। कहां ऐसी एक टचिंग सी आत्मिक स्तर की कनेक्शन होता है। मैं सच कहूं तो ये पूरे विश्व को नोट करना चाहिए कि हम किस प्रकार अपनी जनता, हमारे यात्री, हमारे टूरिस्ट, उनकी देखभाल करते हैं। दिस वाज़ ए रिकॉर्ड बाय इटसेल्फ, माय डीपेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। जोर से ताली बजाइए आप।
ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आपने जिस प्रकार जिस सुचारू रूप से प्रबंधन किया गया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जैसे मैंने कहा, घाटों की सफाई के लिए आपके द्वारा चलाए गए अभियान के कारण हरिद्वार को गंगा टाउन में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भी माननीय राष्ट्रपति महोदय के हाथों प्राप्त हुआ है। इट्स ए बिग अचीवमेंट फॉर अस, इट्स ए बिग अचीवमेंट, इट्स ए बिग मोटिवेशन फॉर अस कि हमारे कार्य को पूरा राष्ट्र देख रहा है। अगर इस प्रकार का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिलता है तो दिस गिव्स अस ए मोटिवेशन कि हमारा डायरेक्शन ठीक है। ये पता लगता है कि हमारे अधिकारी कितनी बारीकी से कार्य कर रहे हैं। बहुत चैलेंजिंग है हरिद्वार का इलाका, बहुत चुनौतियां हैं, उसके बावजूद भी निष्ठापूर्ण कार्य करना और इस लेवल तक पहुंचना, माय हार्टेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। श्री धीरज गर्ब्याल जी जो अभी नैनीताल के जिलाधिकारी हैं, मैं इनको भी बहुत करीब से देखा है। आपकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप जहां भी कार्यरत रहे हैं, आपने सामूहिक जनभागिता के साथ, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जनभागिता, नए प्रयोग करते रहे हैं और कई क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं। जिस प्रकार पहले कहा गया कि सेब उत्पादन को लेकर आपके प्रयास एवं पर्यटन के क्षेत्र में, पर्यटन टूरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर उत्तराखंड। हमको जो शिव जी ने, हमको जो हिमालय ने, हमारे को जो हमारी सभ्यता संस्कृति ने, जो स्पिरिचुअल टूरिज्म और जिस प्रकार हमारे प्रदेश की टूरिज्म का एक अवसर दिया है, इसके क्षेत्र में आपने बहुत अच्छा काम किया है। रोजगार परक योजनाओं को जिले में लागू करने का श्रेय भी आपको दिया जाता है। माय डीपेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। आई हैव सीन यू वर्किंग ऑन द ग्राउंड एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी जिस निष्ठापूर्ण आप कार्य करते हैं, दैट्स ए ग्रेट मोटिवेशन फॉर ईच वन ऑफ अस। तीसरे हैं, जब तीसरे बोलते हैं तो एकदम त्रिशूल का याद आ जाती है, वो भी डॉक्टर आशीष चौहान जी, वर्तमान जिलाधिकारी पौड़ी। आप पूर्व में जब पिथौरागढ़ जनपद में तैनात थे तब आपके इनोवेटिव अप्रोच की चर्चा पूरे प्रदेश में की जाती रही है। आपके द्वारा भेड़ू के उत्पादनों के लिए महिला स्वयं सहायता समूह के साथ किए गए प्रयासों को स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र किया था। आज भी प्रधानमंत्री जी की मन की बात का कार्यक्रम है और मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, जब मैं उस सामूहिक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके मेंबर से मिला तो उनके अंदर में अलग दर्जे का मोटिवेशन और इंस्पिरेशन था एंड दे वर रेडी टू टेक एनी चैलेंज। और बहुत ही अच्छा लगा कि इन्होंने उनको इस प्रकार से इंस्पायर, मोटिवेट और उनका ऐसा इकोसिस्टम बनाया जिसके अंदर में वो अपना एक अलग ही लेवल बना सकते हैं। मुझको ऐसा लगता है कि जिस दिन हम सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिस दिन हम हमारी महिलाओं का जो केबिलिटी और एक्सेलेंस है उसको समझ गए, तो उसी दिन मेरी हर एक महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की अपने आप से लखपति और करोड़पति की तरफ कदम रखने लग जाएंगे। और मुझे याद है कि यहाँ राजभवन में हमने भी पूरी टीम का सम्मान किया था और आज उन्हीं के अधिकारी का आज सम्मान हुआ है, तो आज बहुत खुशी हुई है इस बात को देखकर। श्री मयूर दीक्षित जी, आपके द्वारा पूर्व में जिलाधिकारी उत्तरकाशी के पद पर रहते हुए पर्यटन को बढ़ावा देने, सुदूर इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए एवं वर्तमान में भव्य केदारपुरी के पुनर्निर्माण को सही गति से संचालित करने के लिए सराहा जा रहा है। एंड ऑन ग्राउंड इट इज सो थ्रिलिंग टू सी द डिफरेंसेस।
सबसे ज़्यादा प्यार होता है, सबसे ज़्यादा मज़ा तब आता है व्हेन यू सी द ट्रांसफॉर्मेशन, व्हेन यू सी द चेंज, व्हेन यू सी द इंफ्रास्ट्रक्चर कमिंग अप एंड व्हेन यू सी द डीप इन्वॉल्वमेंट जो अधिकारी हैं उनका. तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड व्हेन आई विजिटेड हिम एंड मुझे पूरी टीम बहुत अच्छी लगी. इनके सीडीओ साहब भी बहुत अच्छे लगे. ऐसा वातावरण बनाया जिसपे ऐसा लगता है कि लेट एवरीबॉडी पार्टिसिपेट, यू नो. दिस वॉज वेरी थ्रिलिंग फॉर मी एज अ लीडर टू सी फॉर माई ओन सेल्फ. अभी संपन्न हुई सफल केदारनाथ यात्रा की प्रबंधन में भी आपका तुलनीय योगदान रहा है. और देखिए ये सब इसी प्रकार के कार्य हैं जिसके कारण 46 लाख, और मेरे को तो लगता है कि अगले साल अवश्य ही 70 लाख होगा जिस प्रकार से कार्य चल रहा है. ये तो कभी कभी ऐसा लगता है हमारे समाज में, हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में हम लोग थोड़ा संकोच करते हैं तीन चीज़ों पे: ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन और थैंक्स, आभार देने में, प्रशंसा करने में और धन्यवाद देने में. आज मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने इन 5 अधिकारियों को मिलकर पूरा उत्तराखंड की तरफ से एक आभार, एक प्रशंसा और एक धन्यवाद दिया है अच्छे कार्य के लिए. श्री हिमांशु खुराना जी, चमोली जिलाध्यक्ष जिलाधिकारी के रूप में आपके द्वारा जिस प्रकार सभी यात्रियों के सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए श्री बद्रीनाथ धाम एवं श्री हेमकुंड साहब जी की यात्रा का सफल प्रबंधन किया गया, उसके लिए मैं आपको बहुत बधाई के पात्र मानता हूँ. मुझे सबसे टचिंग क्या लगा कि एक अधिकारी सबको इकट्ठा मिलाकर एक कलेक्टिव डिसीजन की तरफ कैसे ले जा सकते हैं. तब मैंने देखा कि जो गति है बद्रीनाथ के जी के उधर में, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है, हो रहा है, बढ़ रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा टचिंग एस्पेक्ट वाज पार्टिसिपेशन ऑफ एवरीवन. ये जो नेगोशिएशन जिस प्रकार से किया है सबके साथ में, सबको पार्टिसिपेट किया गया है, जो साझापन जो किया गया है एक सोल्यूशन ढूंढने के लिए, एक समाधान ढूंढने के, अपने आप में गजब है. मैं तो जब बद्रीनाथ गया था तो मैंने इनको कहा कि ये जो नेगोशिएशन किया है, ये जो पार्टिसिपेशन किया है, हमको अवश्य ही इसको अंकित करना चाहिए, डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि आगे में इस कला को हम अपने बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में जोड़ सकें. मैं 7 बार चाइना गया हूँ एज ए पार्ट ऑफ एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप. तो मैं सदा ये सोचता रहा कि क्या हमारी नेगोशिएशन स्किल में कुछ कमी है कि अभी तक हम बॉर्डर इशू को रिजॉल्व नहीं कर सके हैं, LAC क्लैरिफिकेशन नहीं कर सके हैं. जब मैं बद्रीनाथ जी में गया, जब मैं इनको मिला और जब मैंने प्रोग्रेस बद्रीनाथ जी की देखी, तो ऐसा लगता है कि हम में, हमारे अधिकारियों में नेगोशिएशन स्किल एंड मेकिंग एवरीबॉडी पार्टिसिपेट इज एक्सीलेंट. माई कॉम्प्लीमेंट्स टू यू फॉर दिस. श्री बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के निर्माण कार्यों को समय पर व सुचारू रूप से संपन्न करवाने में भी आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. माई कॉम्प्लीमेंट्स टू यू. जोर से ताली बजाइए अगर बजानी है तो. ताली बजाने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए, वो भी अपने परिवार के उन लोगों के लिए जो उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं. मैं आप सभी अधिकारियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं. सुशासन की 8 प्रमुख विशेषताएं हैं. यह हैं भागीदारी, जिसके बारे में मैंने कहा, आम सहमति, जिसके बारे में मैंने डिटेल में कहा कि किस प्रकार से आपने ऐसा एनवायरमेंट किया है, जवाबदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी एवं कुशल, न्याय संगत और समावेशी. ये सब होने के साथ साथ कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ का अनुसरण करता है. यह विश्वास दिलाता है कि भ्रष्टाचार को, करप्शन को कम से कम किया जा सकता है.
इसमें हर वर्ग के विचारों को ध्यान में रखा जाता है और निर्णय लेने में समाज में सबसे कमजोर लोगों की आवाज सुनी जाती है। मुझे बहुत खुशी है जब पिथौरागढ़, जब उत्तरकाशी, चमोली, इन इलाके के अधिकारियों को जब पुरस्कार मिलता है तो ऐसा लगता है कि संदेश बहुत दूर जाएगा। लोग बहुत ये समझते हैं आज के जियो इन्फॉर्मेशन में कि जो सीमा के इलाके में ऐसा जो कार्य कर रहे हैं अपने आप में एक अलग ही संदेश और पूरे भारतवासियों को एक अलग विश्वास दिलाता है। मेरा दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास है कि निश्चय अपने आप से निकल गया मुंह से, लेकिन जो मेरा विश्वास है, और हाँ ये विश्वास निश्चय भी होना चाहिए, टेक्नोलॉजी सरकार और नागरिकों की बीच की खाई को भर सकती है। दिस इज व्हाट आई फील वेरी स्ट्रांगली, और उसे अनिवार्य रूप से भरना भी चाहिए। टेक्नोलॉजी नागरिकों को अधिकार संपन्न बनाने का सशक्त उपकरण है और सरकार के लिए अच्छा माध्यम है। सरकार इस माध्यम की क्षमता को पूरी तरह पहचानती है। डिजिटल इंडिया का लक्ष्य देश को डिजिटल रूप से अधिकार संपन्न समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था के रूप में बदलना है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सरकारी सेवाएं प्रदान करने से जवाबदेही भी अधिक बढ़ेगी। आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट। हमारे राज्य में भी अपनी सरकार पोर्टल एवं सीएम हेल्पलाइन डिजिटल माध्यम से सुशासन की दिशा में उठाए गए मजबूत कदम हैं। सुशासन में जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह सरकार को योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है, और ये किसी भी आईएएस ऑफिसर के लिए इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ हिज प्रोफेशन एंड दिस इज द मोस्ट मेमोरेबल। मेरे को याद है, मैं कर्नल था, मैं डायरेक्टर चाइना मिलिट्री ऑपरेशन में था, तो हमारे जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे मैं उनके ऑफिस में जाता था, तो तब भी उनके ऑफिस के उधर में कोई ना कोई उनको मिलने आता था जब वो जिलाधिकारी कर रहे थे। ऐसा पूरा जीवन के लिए एक रिश्ता सा बन जाता है। आई डू अंडरस्टैंड दैट ये जो आपका पोस्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको पूरे जीवन का एक मजा देने वाला है। इट्स गोइंग टू बी मोस्ट मेमोरेबल टाइम फॉर योर ओन सेल्फ। टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप शासन प्रवास सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और जनता के बीच में प्रत्यक्ष भावनात्मक जुड़ाव की आवश्यकता है। मैंने जब इंडिविजुअली इनको देखा तो इनका जो कनेक्ट था जनता के साथ में, लोगों के साथ में, दैट वॉज वेरी टचिंग, दैट वॉज वेरी केयरिंग। आई फेल्ट वेरी गुड अबाउट इट एंड माई कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच वन ऑफ यू दैट यू हैव अ स्पेशल रिलेशनशिप विद द पीपल दैट यू आर लुकिंग आफ्टर। जनता की समस्याओं को मेहनती जिलाधिकारियों और उनकी टीमों के ईमानदार प्रयासों से ही दूर किया जा सकता है। ईश्वर की कृपा से हमारे पास ऐसे ये और इनके अलावा और कई सक्षम अधिकारी उपलब्ध हैं। वी आर वेरी फॉर्चुनेट इन दिस पर्सपेक्टिव। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हां, चुनौतियां हैं, बाधाएं भी हैं, लेकिन अपने सामूहिक प्रयासों से हम सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त करेंगे, और निश्चित रूप से एक दिन हम, जैसा मैंने शुरू में कहा था, इन सब के बलबूते पर हम विश्व गुरु का अपना स्थान वापस प्राप्त करेंगे। जोर से ताली बजाइए, ये आपकी साझेदारी है। उस पांच प्रण जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहे थे, विकसित राष्ट्र, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, एकजुटता, एकता, अपने हेरिटेज को पहचानना, ये सब प्रण हैं। मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं।
बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही एक भव्य वेल ऑर्गेनाइज तरीके से हमने इकट्ठा सबने मिलकर हमारे इन अधिकारियों को सम्मान दिया। आज मुझे जो एमसी का कार्य कर रहे थे उनकी आवाज़ में एक उत्तराखंड की आत्मा की आवाज़ सुनाई दी। उनकी आवाज़ गहरी थी, उनके विचार शुद्ध थे और उनकी आवाज़ में जो गूंज थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे गायत्री मंत्र की आवाज़ उच्चारण में होती है, इसी प्रकार लग रही थी। मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ क्योंकि उनकी ऐसे जो हमारे परिवार के सदस्य होते हैं, काम कुछ भी हो लेकिन उसको परफेक्शन से करने का एक जो पैशन होता है ना, जिस प्रकार से वो बोल रहे थे, मेरे को तो अंदर में ही ऐसा लग रहा था कि शायद शिव जी का हाथ इनके ऊपर में बहुत पास में। आखिर में आज बहुत शुभ दिन है। आज की अगर आप स्टॉक टिकिंग करेंगे तो अपने आप में एक बहुत विशाल दिन है। सभी क्रिश्चियन आज के दिन में बोलते हैं आज बड़ा दिन है, आज यीशु मसीह का जन्मदिन है। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप भारत की पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे तो बहुत बड़ा दिन है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन, मदन मोहन मालवीय जी का जन्मदिन, वीर चंद्र गढ़वाली जी का जन्मदिन और न जाने ऐसे आसपास देखेंगे। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे विशाल इस परिवार ने, इस उत्तराखंड ने जो किया है वो जनता की तरफ से। जब हम बोलते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में वी द पीपल, जो वी है हम हैं, उनकी तरफ से अपने अधिकारियों को जो आज सम्मान आभार प्रशंसा और धन्यवाद दिया है, ये एकदम आत्मा के स्तर पर उसका अनुभव हुआ है, अनुभूति हुई है, एक अंदर में रियलाइजेशन हुआ है कि वी हैव द बेस्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स इन द एरेना ऑफ गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। धन्यवाद, जय हिंद।